हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग सुनेंगे कि एक्सोलोटल लार्वा हम किसे कहते हैं। एक्सोलोटल जो है ये ऑर्डर यूरोडेला का लार्वा होता है ना। और यूरोडेला जो है इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है ना। और इसकी क्लास क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबियंस है ये। और इसका ऑर्डर क्या है, यूरोडेला मतलब टेल वाले एम्फीबिया है ना। और इसका जीनस क्या है, एम्बाइस्टोमा है ना। एम्बाइस्टोमा को टाइगर सैलामेंडर भी कहते हैं, ठीक। इसका भौगोलिक वितरण क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है ना। और ये जो है फ्रेश वाटर में रहता है, मतलब स्वच्छ जल में रहता है, ठीक है। इसका विशिष्ट लक्षण क्या है कि एम्बाइस्टोमा एक लार्वा है और ये नदी में पाया जाता है। इसका जो सिर है, सिर धड़ और पूंछ में बटा हुआ रहता है, ठीक है। और पूंछ पर जो फिन होता है ना, उसे हम कॉडल फिन कहते हैं, ठीक है बच्चों, कॉडल फिन कहते हैं। और ये बहुवर्षीय होता है, पेरेनियल होता है ना। और इसकी जो लंबाई है वो 27 सेंटीमीटर तक होती है। सिर और ट्रंक के जोड़ पर 3 छोटे गहरे लाल रंग के डीप रेड कलर के गिल्स जो है वो पाए जाते हैं। ये देखिए, ये गिल्स है बच्चों, है ना। ये स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो इसको समझिएगा। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है माउथ है ना। उसके बाद नॉस्ट्रिल है, फिर आई है, फिर ये 1, 2 एंड 3 पेयर जो है एक्सटर्नल गिल्स हैं। ऊपर वाले अपर जो लिम्ब है उसको फोर बोलते हैं, नीचे वाले को हिंड बोलते हैं। ये वाला ट्रंक है, ये टेल है, और टेल का जो नीचे वाला फिन है उसको कॉडल फिन कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को याद कर लोगे तो आपको डायग्राम याद करने में परेशानी नहीं होगी, है ना बच्चों, ठीक है। सिर और ट्रंक के जोड़ पर 3 गहरे रेड कलर के जो गिल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। फोर लिम और हिंड लिम मतलब अग्रपाद और पश्चपाद जो है कम्प्लीटली विकसित होते हैं। और ये लार्वा स्थिति में ही इनमें जो जननांग है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनेट्स जो कहते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। और ये सेक्सुअली परिपक्व हो जाता है तथा अपने जैसे नवजात शिशु उत्पन्न करने लगता है ना। लार्वा की इस स्थिति में जब जननांग उत्पन्न हो जाने वाली स्थिति जो पैदा होती है, तब उसे हम पीडोजेनेसिस भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार का जो लार्वा है वो क्या होता है बच्चों, सेक्सुअली परिपक्व होता है और मॉर्फोलॉजिकली अपरिपक्व होता है। मतलब सेक्सुअल तौर पे क्योंकि गोनेट्स विकसित हो जाते हैं तो ये रिप्रोडक्शन तो करने लगता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली बाहर रूप से आपको इमैच्योर दिखता है क्योंकि आपको लार्वल फॉर्म में ही दिखाई देगा। लेकिन सेक्सुअली मैच्योर हो गए जो एनिमल है उसके जो लार्वा के गुण है, जैसे गिल्स है, कॉडल फिन है ना, उसकी उपस्थिति को रोके रखने को ही हम क्या बोलते हैं, नियोटेनी कहते हैं। मतलब लार्वल फॉर्म में ही इसके सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं वो विकसित हो जाते हैं, गोनेट्स विकसित हो जाते हैं और ये रिप्रोडक्शन करने लगता है। तब हम उसे स्टेज में उस एनिमल को लार्वल, उस लार्वल फॉर्म को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। और ये सैलामेंडर का लार्वा है ना। टाइगर सैलामेंडर का लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं, है ना। और लार्वा के कायंत्रण ना होने की स्थिति के कई कारण हैं। जैसे लार्वा कायंत्रण का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस, मतलब चेंजेस, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। एग और एडल्ट के बीच का जो स्टेज है उसको हम लार्वा स्टेज बोलते हैं। जैसे कि बहुतायात में भोजन व ऑक्सीजन ना मिलना, है ना, भोजन और ऑक्सीजन का ना मिलना, कम तापमान है ना, और आयोडीन का अभाव होना, तब ये क्या होता है, इसके कारण भी इसके जो लार्वल कैरेक्टर हैं वो बने रहते हैं और ये रिप्रोडक्शन करने लगता है ना। लेकिन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर मान लो हम इसको थायरॉक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं जिसमें आयोडीन जिसका आवश्यक कंपोनेंट होता है, तो आयोडीन के कारण जो थायरॉक्सिन हार्मोन का जब हम इंजेक्शन देते हैं तो ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। और इसका इंजेक्शन लगाने के बाद ये जो लार्वा है ना एक्सोलोटल, ये टेरेस्ट्रियल एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और बाह्य गिल और कॉडल फिन जो है वो नष्ट हो जाते हैं और सांस लेने के लिए लंग्स विकसित हो जाते हैं, नहीं तो ये एक्सटर्नल गिल से ही श्वसन क्रिया कर रहा था, है ना। और इसको अगर हम बोलेंगे कि पहचानिए, तो आप कैसे पहचानेंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, 3 पेयर गिल्स और उसके जो कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, इन सारे कैरेक्टरों के द्वारा हम इसको पहचानेंगे। 4 लिम, हिंड लिम, ट्रंक है ना, टेल के द्वारा, नॉस्ट्रेल, आई, एक्सटर्नल 3 पेयर गिल्स के द्वारा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए।